हस्ताक्षर करेंगे और ज्ञापन देंगे निकल जाएंगे। ताजगढ़ को राजनीति नहीं आती, सिर्फ आंदोलन करना होता है। और जो लोग घर में बैठ के सोशल मीडिया पे इधर उधर की बातें कर रहे हैं उनसे बोलो, मैं एक चैनल वाला है, मैं उसको भी कहना चाहता हूँ, मेरी इंटरव्यू ले, मेरे को तीखे तीखे सवाल करे, गलती होगी होगी कहीं, इंसान है यार, हम लड़ाई ईमानदारी से लड़ रहे हैं। आज भी मैं एक बात कहूंगा, जहां सरकार से टक्कर है उसके बाद निर्मल सिंह बंगू से टक्कर है। आपको ये बता दूं, पूरे इंडिया में सैकड़ों संगठन है, किसी ने मोदी सॉरी किसी ने बंगू फैमिली के ऊपर कोई एफआईआर दर्ज कराई? हमने कराई। उसके घर में कोई घुसा? अगली बारी उसके घर में आपको भी लेके जा रही है। निर्मल सिंह की दो बेटियां, दो छुपाई भाई, भतीजा, घर वाली, उसके सबके ऊपर हमारा पर्चा किया हुआ है। और जस्ट कुछ दिनों के अंदर अंदर उसकी बहन बांझों के ऊपर पर्चा हो जाएगा। बोलो ये काम नहीं। एक और बात कहना चाहूंगा, सीबीआई ने अभी सभी प्रॉपर्टी सामने नहीं लाई, हमारी गवर्नमेंट से मोदी ने कुछ नहीं करना, मोदी की जो डिपार्टमेंट है उन्होंने काम करना, सीबीआई ने ईमानदारी से काम नहीं किया, जितनी प्रॉपर्टी थी सामने नहीं आई। और लोडा बेईमान आदमी, मैं बता ही नहीं रहा कि मेरे पास कितनी प्रॉपर्टी है, जो कितने पैसे की होगी, हमें जे तक नहीं पता प्रॉपर्टी कितनी बिक गई और कितनी रह गई और कौन खरीद रहा है कौन बेच रहा है। जे इस पारदर्शिता में सरकार पे इस बात के लिए आए हैं मोदी से मिलने, क्योंकि जेपी सीबीआई ईडी किसके कहने में है? मोदी के, इसीलिए हम मोदी के पास आए और मोदी के साथ हमारा कोई झगड़ा नहीं, ना कोई दुश्मनी, ना वो मेरा साथ हुआ है ना भाई, उसने छोड़ी के अंदर हमने नहीं छोड़ी। और मैं चाल देखूंगा जितने और कंपनियों का भैया, संगठन बनाओ, जब दिल्ली में जब गवर्नमेंट के ऊपर अटैक करना है तो मिलकर करो। और मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा, निर्मल सिंह बंगू की फैमिली आज भी ऐश कर रही है, और निर्मल सिंह बंगू जेल में नहीं, कहने को जेल में, वो ऐश कर रहा है पॉलिटिकल लोगों के सामने, और उसे सबको सिखाना है, क्योंकि उसे पता मैं मर जाऊंगा और मेरी फैमिली के पास तो करोड़ों रुपए की, आज निर्मल सिंह बंगू की बेटियों के पास, जवाइयों के पास, घर वाली के पास एक एक करोड़ की गाड़ी है, एक एक करोड़ की गाड़ी, और उसके जवाई जमीन बेच रहे हैं, उसके भांजे कब करोगे उस पर है? इसके बाद अगली बारी पंजाब में आओगे, तैयारी करो, शायद हम